नमस्कार दोस्तों, A3 हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है धर्मेश और यह है ओप्पो A3s और गैलेक्सी J6 के बीच कैमरा कंपैरिजन। बात करें अगर कैमरा स्पेसिफिकेशंस की तो ओप्पो A3s में रेयर पर मिलता है डुअल कैमरा सेटअप, यानी कि एक कैमरा है प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का जिसका अपर्चर साइज है f2.2, इसके अलावा दूसरा डेप्थ सेंसिंग कैमरा 2 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा मिलता है ओप्पो A3s में 8 मेगापिक्सल का जिसका अपर्चर साइज है f2.2। तो वहीं गैलेक्सी J6 में रेयर पर मिलता है सिंगल कैमरा 13 मेगापिक्सल का जिसका अपर्चर साइज है f1.9 और फ्रंट पर मिलता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा जिसका भी अपर्चर साइज है f1.9। बात करें अगर कैमरा फीचर्स की तो दोनों ही डिवाइसेस में आपको ऑटो मोड, प्रो मोड, पैनोरा मोड और HDR जैसे कैमरा मोड्स मिल जाते हैं। ओप्पो A3s में आपको मिलता है ऑटो HDR का ऑप्शन, तो वहीं गैलेक्सी J6 में आपको मैनुअली HDR मोड अप्लाई करना होता है। ओप्पो A3s में रेयर और फ्रंट दोनों तरफ आपको पोर्ट्रेट मोड मिल जाएगा, लेकिन गैलेक्सी J6 में केवल फ्रंट पर ही पोर्ट्रेट मोड मिलेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस से आप फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। गैलेक्सी J6 में आपको जेस्चर कंट्रोल भी मिल जाएगा जो आपको A3s में नहीं मिलेगा। तो फीचर्स के मामले में दोनों ही लगभग सेम है। अब चलिए बात करते हैं कैमरा रिजल्ट्स की। तो ये हैं दोनों ही डिवाइसेस के रियर कैमरे से डे लाइट में कैप्चर किए कुछ फोटोज, और यहाँ आपको गैलेक्सी J6 के फोटोज थोड़े से फेड नजर आ रहे होंगे और यहाँ लग रहा होगा जैसे कि गैलेक्सी J6 में कलर रिप्रोडक्शन का इश्यू है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। जैसे कि आप यहाँ व्हाइट कलर को देखो तो कोई इशू नजर नहीं आएगा। इसके अलावा यहाँ अगर केवल पिंक कलर के फूल को देखें तो वहां भी कोई इशू नहीं है, और कहीं ना कहीं गैलेक्सी J6 में ही आपको अच्छे कलर नजर आ रहे होंगे। लेकिन अगर आप केवल कंपेयर करते हो ग्रीन कलर को, जैसे सबसे पहले वाला पिक्चर है ये, यहाँ मैंने जूम करके दिखाया है, तो यहाँ भी गैलेक्सी J6 का फोटो ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है। लेकिन वापस जब आप इस फोटो को कंपेयर करते हो तो बैकग्राउंड पर जो ग्रीन पत्तियां हैं वो ओप्पो A3s की अच्छी नजर आ रही हैं, लेकिन जब आप इस फोटो को जूम करते हो और केवल रेड कलर के फूल को कंपेयर करते हो तो यहां दोनों ही डिवाइसेस का कलर प्रोडक्शन आपको बिल्कुल सेम लगेगा और कहीं ना कहीं J6 का बेहतर है। वापस से फिर जब आप ग्रीन कलर के फोटो को कंपेयर करते हो तो वहां आपको फिर से गैलेक्सी J6 में कलर प्रोडक्शन का इशू लगेगा, यानी कि यहां कलर प्रोडक्शन का कोई इशू नहीं है। दोनों ही डिवाइसेस के रियर कैमरे के फोटोज में आपको अच्छी डिटेलिंग के साथ साथ कलर रिप्रोडक्शन भी अच्छा देखने को मिलेगा। कहने का मतलब दोनों ही डिवाइसेस के रियर कैमरे से आप अच्छी फोटोज कैप्चर कर सकते हो, लेकिन जब आप गार्डन वगैरह में फोटोग्राफी करते हो तो वहां ओप्पो A3s में आपको अच्छे पिक्चर्स मिलेंगे क्योंकि गैलेक्सी J6 में ग्रीन कलर का थोड़ा सा इश्यू है। इसके अलावा बात करें ओवर डिस्प्ले पिक्चर्स की तो यहां गैलेक्सी J6 वाकई कमाल है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से गैलेक्सी J6 के पिक्चर्स में आपको और ज्यादा अच्छा कलर प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, यानी कि थोड़ी देर पहले जो पिक्चर आपको सेम या फिर ओप्पो A3s की ज्यादा अच्छी लग रही होगी, जब सेम पिक्चर आप दोनों ही डिवाइसेस की डिस्प्ले पर देखते हो तो वहां गैलेक्सी J6 का पिक्चर आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। बात करें अगर लो लाइट फोटोग्राफी की तो भाई सैमसंग तो यहाँ किंग है और यहाँ आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। गैलेक्सी J6 में आपको मिलता है अपर्चर साइज f1.9 का रियर कैमरा, इसीलिए वहां पर आपको लो लाइट में अच्छी फोटोज देखने को मिलेंगी। तो वहीं ओप्पो A3s के रियर कैमरे का अपर्चर साइज है f2.2, इस वजह से आपको लो लाइट में उतनी अच्छी फोटोज देखने को नहीं मिलेंगी, नॉइज देखने को मिलेगा और डिटेलिंग भी उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, यानी कि सेल्फी की। तो दोनों ही डिवाइसेज में आपको सिंगल फ्रंट कैमरा मिलता है, और कंपेयर करें यहाँ पोर्ट्रेट मोड को तो एज डिटेक्शन आप देख ही सकते हो, पिक्चर्स आपकी आंखों के सामने हैं। दोनों ही डिवाइसेज में पोर्ट्रेट मोड की कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। बात करें अगर स्किन टोन और परफॉर्मेंस की तो भाई जैसे लो लाइट में सैमसंग किंग, वैसे ही सेल्फी में ओप्पो। तो यहाँ ओप्पो A3s के पिक्चर्स गैलेक्सी J6 से मुझे ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं। हालांकि अगर नेचुरलिटी की बात करें तो गैलेक्सी J6 के पिक्चर थोड़े से नेचुरल लगते भी हैं, लेकिन ओप्पो A3s के पिक्चर्स आपको नेचुरल बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। लेकिन कंपेयर करें अगर दोनों ही पिक्चर्स को तो वहाँ ओप्पो A3s के पिक्चर्स ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं एज कम्पेयर टू गैलेक्सी J6। अब बात करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग की। तो दोनों ही डिवाइसेस से आप फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और यहाँ कलर प्रोडक्शन के बारे में मत सोचना क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ग्रीन कलर का इशू है गैलेक्सी J6 के कैमरे में, जबकि ओप्पो A3s में वही थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नजर आता है। डिटेलिंग की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेज में आपको कमाल की डिटेलिंग देखने को मिलेगी, लेकिन फोकस के मामले में ओप्पो A3s गैलेक्सी J6 से ज़्यादा अच्छा है। मैं यहाँ कैमरे पर नहीं दिखा सकता, लेकिन जो मैंने पर्सनल फील किया छोटे ऑब्जेक्ट पर फोकस करने में गैलेक्सी J6 के कैमरे से मुझे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन ओप्पो A3s से मुझे इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा और छोटे छोटे ऑब्जेक्ट पर भी बड़े आराम से फोकस हो गया। तो दोस्तों यही था मेरा गैलेक्सी J6 और ओप्पो A3s के बीच कैमरा कंपैरिजन, और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।